पार्टी के अंदर भले ही चुनावों को सवा साल बचा हो, लेकिन निगम चुनावों को लेकर हर पार्टी अपने को जनता के बीच में मुकाम साबित करने के लिए पहुंच चुकी है। कहीं भाजपा के बैनर पोस्टर लगते हैं घोटाले के, तो कहीं आम आदमी पार्टी के। आज हम आम आदमी की मोहल्ला सभा में मौजूद हैं, जहां पर इन्होंने तय किया है कि 2500 करोड़ का जो घोटाला है उसकी 2500 मोहल्ला सभा होंगी। हमारे साथ श्रीधर शर्मा जी हैं, पूर्व घोड़ा विधायक हैं। शर्मा जी, बात करें जो 2500 मोहल्ला सभाएं आपकी जारी हैं, उनके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता? हम जनता से यही कहना चाहेंगे, उनके भ्रष्टाचार को सबके सामने उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और उनकी सरकार मानती है। 2017 में उनके बड़े बड़े नेताओं ने मना भी, हमारे निगम पार्षद सारे भ्रष्टाचार हैं, इसलिए हमने सबके टिकट काट दी। तो अभी फिर वही काम चल रहा है उनका। अभी फिलहाल आपने यहाँ पे मंच पे एक बात कही थी कि केंद्र सरकार ने ही दिल्ली सरकार की सराहना की है, क्या ऐसा मुद्दा था? साफ सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य के देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, पानी में देख लीजिए, बिजली में देख लीजिए, सारी चीज़ आम आदमी पार्टी की टॉप चल रही है, विश्व में नाम है, आज दिल्ली मॉडल कहलाता है आज की डेट में। सीएजी की रिपोर्ट में जो भाजपा पर आपने आरोप लगाया है कि भाजपा, सीएजी की रिपोर्ट में गुनहगार जो घोटाला सामने आया, वो कौन सा घोटाला? सारे घोटाले जो 2500 करोड़ के, वहीं से तो पता चला है, वहीं तो देखा गया, कहीं है ही नहीं कराया, कहाँ गिराया रहा है, कहाँ जा रहा है। 26000 करोड़ का जो घोटाला, वो जल बोर्ड का एक नया घोटाला सामने लाई है भाजपा, उसके बारे में हमारा ये कहना है, भाई सीआईबी उनकी, सारा कुछ उनका है, वो जाँच कराए, जो हमारा अधिकारी ऐसा है या अफसर ऐसा है, मंत्री ऐसा, अंदर भेजो ना। आप क्यों पब्लिक के पीछे झूठी अफवाहें फैला रहे हो? आप, हम भी तो उनके पास गए थे भाई, सीबीआई से जांच कराओ, हमें तो बात भी नहीं करने दी उन्होंने, वहाँ तक जाने नहीं दिया, उपराज्यपाल के पास नहीं जाने दिया, गृह मंत्री के पास नहीं जाने दिया, और हम खुद कह रहे हैं अगर घोटाला है तो जाँच करके बताओ, अंदर करो। नेशनल काउंसिल मेंबर भी हैं रावल जी, उनसे बात करें। रावल जी, बात करें, जैसे मोहल्ला सभाएँ चल रही हैं, कैसा रुझान लग रहा है लोगों का? देखो, जैसे हम हर मोहल्ले में सभा करते हैं, आम जनता खुद पार्टिसिपेट करती है और आके हमारे साथ जनसंवाद करती है, और जैसा कि हम बताते हैं तो हर आमजन इन घोटालों से त्रस्त है, और इन आमजन इन घोटालों से त्रस्त है, और सभी मानते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है और एमसीडी सरकार बदलनी चाहिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, वैसा ही एमसीडी में काम होना चाहिए, इसलिए एमसीडी को बदलने के लिए तैयार बैठी है आम जनता। जिस तरह देखा जा रहा है, एक दूसरी पार्टियां घोटाले का पोस्टर बैनर से दिल्ली पट चुकी है, जो कि विकास से पट्टी चाहिए थी। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 13000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, तो उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद था, जबकि आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार ने कोई केस था हाई कोर्ट में, उसमें क्लियर था कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा एमसीडी को देना बाकी नहीं है, लेकिन उसको एक्सपोज करने के लिए हमने, हमारी टीम ने पूरा आरटीआई लगाकर इनके घोटाले निकाले हैं, और इनको जैसे भी हम लेकर आए हैं तो वो मुद्दा उनका ध्वस्त हो गया, वो कोई भी सामने नहीं आया। कोई आम जनता सब मानती है कि ऐसा कोई इनका पैसा बकाया नहीं है। आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की निकायों को फंड देती है, और दिल्ली की एमसीडी को, जो भी कि इनकी बीजेपी सरकार है, वो एक भी पैसा नहीं दे रही है, और वो बेमतलब की काम ना करने के बहाने करती है और दिल्ली सरकार पर आरोप मढ़ती है कि हमारे पैसे देने हैं। बंसल जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सबूत तो आपको पता ही है, 2 दिन पहले सीबीआई का छापा एमसीडी के अंदर पड़ा था और उनके 2 अफसर अरेस्ट हुए। तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो एमसीडी नहीं है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है। उसको दूर करने के लिए जैसे दिल्ली में बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं, ऐसे ही एमसीडी में आने वाले टाइम में काम होंगे। इस जो सभा है उसके आयोजक हमारे साथ हैं रोहित जी हैं। रोहित जी, बात करें, आज यहाँ पर कुछ नए लोग भी, युवा शामिल हुए हैं, आप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, और धीरे धीरे ये दिखना भी शुरू हो जाएगा कि हम सभी लोग, जितने भी युवा हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारी दिल्ली साफ़ सुथरी बने और हम दिल्ली को एक अच्छे रूप में आगे लेके आएँ। और सभी जो भी यहाँ के दिल्ली निवासी हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ काम देख के वोट करें, किसी और चीज़ को ना देखें, आप जो काम कर रही है पार्टी उसको वोट करें। आज आपने यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, मोहल्ला सभा रखी गई थी, 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर जनता का कैसा रुझान दिखाई दिया? जनता अभी पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है एमसीडी से। मैं अपने अगर यहीं बी ब्लॉक की बात करूं, पार्कों की इतनी बुरी हालत है, कई बार हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। पार्कों में 30 साल, मेरे को 40 साल यहाँ रहते हुए हो गए यमुना विहार में,
पर आज तक ना कभी ग्रिल्स में पेंट हुआ, ना कभी पार्कों में मिट्टी डली, पौधों की बुरी हालत है। मतलब अगर बात की जाए अगर मालियों की, तो मेरे ख्याल से 50-50 पार्कों पे सिर्फ दो दो माली हैं सिर्फ। तो ये जो भी है भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुके हैं एमसीडीए वाली, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और इस बार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी एक करके दिखाएगी। हम मिलना चाहेंगे उन युवाओं से जिन्होंने यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम करण, करण है, करण। करण बात करें, युवा हो और बहुत बड़ी समझ होती है युवाओं में कि वो किस तरह का निर्णय ले रहे हैं, और आज आपने जो निर्णय लिया है वो क्या सोच के लिया है? मैंने ये निर्णय लिया सोचते कि इस यूथ पार्टी में जुड़ के जो इनके साथ मैं काम करूँगा, वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इनके साथ इनका साथ दूंगा कि भ्रष्टाचार इससे दूर हो और हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। तो इस पार्टी इसलिए मैंने ज्वाइन करी है ताकि मैं अपना इसमें योगदान दूँ। तो क्या खास बात देखी थी, कितनी ईमानदारी का कुछ ऐसा आपने देखा आगे जिसलिए आप जुड़े? आम आदमी के पार्टी के काम देखते हुए मेरे को इस जो पार्टी से काम देखा मैंने, काम जो उन्होंने करा है तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। तो इसी से मैं इन्फ्लुएंस होके मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ। आपका नाम जानना चाहेंगे? ज्ञान प्रताप शुक्ला। हाँ शुक्ला जी, बात करें, आज जो आपने डिसीजन लिया है आप जुड़े हैं पार्टी के साथ, क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य रहे? सर मेरा तो एक डिसीजन है, जैसे मेडिकल और कॉलेज स्कूल हमारे दिल्ली के स्कूल है, केजरीवाल के आने के बाद से ही हमारे स्कूल डेवलप हुए हैं और पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा गया, साफ़ सफाई, ऊपर से भ्रष्टाचार चार जगह ज़्यादा था, अब तो है ही बिल्कुल ही खत्म है। जहाँ भी आप जाओगे तो अगर आप अपने रूप से काम करोगे जैसे सरकार कह रही है उसी से चल रहा है, ना भ्रष्टाचार है ना कुछ है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद एक तो एकतापन ज़्यादा रहा है, उसके बाद काम भी बहुत बढ़िया रहा है, साफ़ सफाई चारों तरफ, और युवा एकता को ज़्यादा शक्ति मिली है इस चीज़ में। तो इसलिए मैं थोड़ा आम पार्टी को अपने मन से तन से दोनों से ज्वाइन करना चाहता हूँ और अपने साथ चार को मिलाना चाहता हूँ। तो चलिए, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि युवाओं की सोच बदल रही है और आम आदमी पार्टी का दामन थामने लगे हैं, उनकी सोच और उनकी जो समाज को जागरूक करने की सोच है, जो जिस उद्देश्य से वो इस पार्टी में यहाँ पर ज्वाइन हुए। इस मोहल्ला सभा की बात करें तो ये 2500 करोड़ के घोटाला जो लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता तक मोहल्ला सभाओं का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जनता के घोटाले के बारे में जान सके, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी निगम चुनाव में 1.25 साल है लेकिन चुनाव नज़दीक हैं और अभी से उसका बिगुल बजता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने को जनता के बीच में सही साबित करने पर तुली हुई है और यही उसका एक उदाहरण है। कैमरा मैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।